नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं सफ़र भारत न्यूज़। दंगल टीवी पर एक नया शो आ रहा है शुभ शगुन, जहाँ पे एक सॉन्ग गाया जा रहा है। और आइए मिलते हैं उन कलाकारों के साथ में, और सॉन्ग किस तरीके से शूटिंग की जा रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। नाउ जो मेरी एंट्री है, दिस इज माई इंट्रोडक्शन शॉट जो आपने अभी देखा। मैं एक एक्स सेलिब्रिटी भी हूँ जो फिल्में कर चुकी है, लेकिन फिर मेरे फ्लॉप होने की वजह से उसने अपना करियर छोड़कर किसी एक अमीर आदमी से शादी कर ली, क्योंकि वो चाहती थी कि जो उसकी ग्लैमरस लाइफ है, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो मेंटेन रहे। और उसको ऐसा अभी भी लगता है कि वो बहुत फेमस है और लोग उसके लिए आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और वो फिर से रीलॉन्च हो सकती है। मतलब उसको लगता है कि मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं फिर से कोई नई फिल्म कर सकती हूँ। एंड मेरा ज़्यादा टशन शगुन के साथ रहेगा, जो हमारे सीरियल की लीड है। और क्योंकि वो भी उसको मीडिया किसी वजह से बहुत अटेंशन देती है, स्टोरी में कुछ ऐसा है जो मैं पसंद नहीं करती, और फिर सो ऑन चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, तो मेरा टशन उनके साथ रहेगा। सर, जाना चाहूँगा शो के बारे में, यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, व्हाट रियली मेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस, क्यों हिस्सा है और इस शो का क्या करना चाहिए, इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज़्यादा आपको प्रभावित किया? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और मेरा रोल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दंगल का शो है और द ऑडियंस वांट्स टू सी समथिंग वेरी बिंदास एंड समथिंग रियली डायनामिक। तो जो मेरा कैरेक्टर जैसे दर्शाया गया है, वेरी सुआव, वेरी कनिंग, वेरी कैलकुलेटिव, पर उसके भतीजे की इतनी बनती नहीं है। एंड यही जो पूरा ड्रामा है कि व्हाट ही डज टू हिज भतीजा, और कैसे उसका भतीजा कैसे हमेशा बच जाता है, एंड देन द स्टोरी फॉरवर्ड। आई कांट टेल यू, ग्रे शेड है, नेगेटिव।